कारण कुछ भी हो, परंतु अब पानी हमारे सत्संग ऊंचा होता जा रहा है। आप रोजाना किसी ना किसी संकट की सूचनाएं देते चले आ रहे हैं, जिससे हमारी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। ये तुमने क्या कर दिया मंदरा? क्या कर दिया तुमने? किससे पूछकर तुमने उस वनराज को पुराने महल से भागने पर विवश कर दिया था? अब ये सूचना महामहिम को पता चलेगी ना, तो तुम पर संकटों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पहाड़। तुमने हमसे हमारा वास्तविक स्वरूप छीन कर अपना रूप हमें दे दिया। देखो, आज हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप हमें लौटा दो, अन्यथा हम आज तुम्हारा वध कर देंगे। छुपाने का प्रयत्न मत करो कुछ में। अन्यथा तुम भी फंसोगे। हमने स्वयं अपने इन्हीं हाथों से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या? परंतु क्यों? आपने उसकी हत्या क्यों की गुरुदेव? वो इसलिए कुसुमी। इस भयानक जंगल में कौन युवती हो रही है? कहीं छुपाने का भूत है? कौन हो तुम? अतिथि युवराज, आप? तुम हमें जानती हो? हाँ अतिथि युवराज, हम आपको जानते हैं, हमारी आपसे भेंट हो चुकी है। तुम असत्य कह रही हो, हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, इससे पूर्व हम तुमसे कभी नहीं मिले। नहीं युवराज, हम स्वयं आपसे मिलने पुराने महल आए थे, हम कोई और नहीं, स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी? तुम स्वयं को राजकुमारी चंद्रमुखी कहकर हमें मूर्ख बनाना चाहती हो? सत्य कहो, सत्य कहो, तुम कौन हो? हम सत्य कह रहे युवराज, हम स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी है। एक दुष्ट जादूगर ने हमारा रूप बदल दिया और इस भयानक जंगल में हमें छल कपट से ले आया। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम ही राजकुमारी चंद्रमुखी है। अब हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। रूपनगर और रूपनगर के मायू जंगल में रहने वाले समस्त व्यक्ति एक दूसरे के साथ छल करते रहते हैं। तुम भी कोई ऐसी ही होती हो जो मैं बताना चाहती हूँ। अतिथि युवराज, अतिथि युवराज, अतिथि युवराज, रुकिए, अतिथि युवराज, अतिथि युवराज, हम आपको भटकाना नहीं चाहते, हमें केवल इतना बता दीजिए कि आप पुराने महल से लौट क्यों आए? क्या महाश्वेता ने आपको रोका नहीं? तुम महाश्वेता को जानते हो? हाँ, हम महाश्वेता को जानते हैं, वो हमारी दासी थी। हमारे ही कहने पर भुवन सिंह जी ने महाश्वेता को आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया था। अब हमें रूपनगर जाने का पथ बता दीजिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मार्ग रूपनगर की ओर जाता है। यदि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी हो तो तुम्हें रूपनगर जाने के सारे मार्ग पता होने चाहिए। जाने हम किस भूल में फंस गए, इसलिए हमारी को समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर हमारी सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। हम पिताश्री से कहकर आपको आपके राज्य तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। ठीक है।
हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार, किंतु उसके बदले में हमें चंद्रमुखी का फूल चाहिए। फूल के बारे में यदि तुम स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी होती तो उस फूल के बारे में सब कुछ बता देती। हम उस फूल के बारे में अवश्य सब कुछ जानते हैं, किंतु आप उस फूल का क्या करेंगे? आपको फूल क्यों चाहिए? उस फूल से हमारे पिताजी की दृष्टि वापस लौट के आ सकती है, और उसी फूल को प्राप्त करने के लिए हम अपने राज्य से यहाँ तक आए हैं। यदि ये बात है तो वो फूल आपको अवश्य मिलेगा, परंतु जब तक हम हमारे राज्य नहीं पहुंच पाते तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी सहायता करेगा उसके हम सेना ना छीन। महामहिम लगता है तुम लोग जाओ। खाना क्या महामहिम लगता है यह संकट आने वाला है। राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त हो गए अब तुम्हारे को जानकारी पर सब नहीं करने वाले। उनका कहना है कि राजकुमारी के लुप्त होने सूची में सबसे ऊपर हम दोनों का ही नाम है। राजकुमारी के लुप्त होने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये बुड्ढा भुवन सिंह पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। जब भी महल में कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ये हम पर संदेह करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस बुड्ढे भुवन सिंह का वध ही कर दूं, क्योंकि जब तक ये बुड्ढा भुवन सिंह जीवित रहेगा हमारे ऊपर सदा के लिए तलवार लटकती रहेगी। नहीं महामहिम, नहीं अभी नहीं। भुवन सिंह का वध करने का सही समय अभी नहीं आया। इस समय हमें बहुत सावधानी से कार्य करना होगा, क्योंकि इस समय महल के समस्त अधिकारियों पर गुप्त रूप से दृष्टि रखी जा रही है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? सभी जानते हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी और कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह एक ही दिन लुप्त हो गए थे, तो हम पर क्यों संदेह किया जा रहा है? ऐसा ही होता है महामहिम, ऐसा ही होता है। जब किसी का बुरा समय आता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब से उस विचित्र सेन का शव इस महल में मिला है ना, तब से भुवन सिंह कुछ अधिक ही सख्त हो गए हैं। हमें लगता है विचित्र सिंह जीवित है, वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं महामहिम? हम सभी ने उस विचित्र सिंह का शव इस महल में देखा है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी जीवित है? क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, विचित्र सिंह एक महान जादूगर है। अवश्य ऐसा कोई रहस्य जान नहीं पाए। उस बुड्ढे भुवन सिंह को तो हम बाद में देख लेंगे, किंतु इस समय हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि वो जादूगर वास्तव में मारा गया है या फिर
जीवित है। चंद्रमुखी कहां जाकर छिप गई? उसकी खोज में हमने रूपनगर का सारा जंगल छान मारा, परंतु वो क्या, उसकी परछाई भी हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। समझ में नहीं आता कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जय महाकाल। चंद्रमुखी, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। राजकुमारी चंद्रमुखी हमारे नेत्रों के सामने है और अब हम इसे अपने नेत्रों से ओझल कभी भी नहीं होने देंगे। नहीं, कदापि नहीं। क्या देख रहे हैं? दैत्य सम्राट और राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ। हमें शीघ्र ही पूर्व दिशा की ओर चलना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी जगह नहीं है जो हमें सुरक्षित लग रही है। आप जो उचित समझे वही कीजिए युवराज, बस किसी भी तरह हमें रूपनगर के महल तक पहुंचा दीजिए। हमें हमारे पिताश्री की बहुत याद आ रही है, पता नहीं हमारे बगैर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हमें विश्वास है कि हम तुम्हें रूपनगर की सीमा तक अवश्य पहुंचा देंगे, किंतु तुम्हें अपना देह वचन अवश्य पूर्ण करना होगा। हम एक राजकुमारी है युवराज, और हम अपना वचन कभी नहीं भूलते। यदि हम रूपनगर के राज्य तक सुरक्षित पहुंच गए तो हम अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करने के लिए हम रूपनगर की सीमा का रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे, किंतु अभी भी हमारे मन में एक संदेह बाकी है। हमने सुना था कि चंद्रमुखी का फूल आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, पर इतनी जल्दी आप वो फूल हमें देने के लिए तैयार कैसे हो गए? आपके पिताश्री के नेत्रों की दृष्टि लौटाने के लिए हमने अपना प्रिय फूल देने का निर्णय किया युवराज। यदि चंद्रमुखी का फूल आपके पिताश्री की दृष्टि लौटाने में सफल हो जाएगा तो हमें भी उतनी प्रसन्नता होगी जितनी आपको होगी। आपके सूत्र ने हमारा उत्साह और बढ़ा दिया है, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। जय महाकाल। ये क्या, दैत्य सम्राट तो यहां चंद्रमुखी का फूल लेने के लिए आए थे, परंतु अब वो हमारी चंद्रमुखी को ही लेकर जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दैत्य सम्राट ने हमसे असत्य कहा था, छल किया था हमारे साथ। नहीं, कदापि नहीं। हम अपनी राजकुमारी चंद्रमुखी को उनके साथ कदापि नहीं जाने देंगे। और अब अपना तो राजकुमारी चंद्रमुखी दैत्य सम्राट के राज्य तक पहुंच पाएगी और ना ही वापस रूपनगर के राजमहल में। ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा है। जय महाकाल।
कोई है? कोई है? जी महाराज। इतना भयानक सपना ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, जाकर भवन सिंह से कहो कि हम लोगों ने तत्काल याद किया। जाओ। जो आ गया महाराज। भगवान, ये सपना सपना ही रहे, कभी सच ना हो। जहां भी हो मेरी सुपुत्री, उसकी सहायता करना भगवान, उसकी सहायता करना। क्या बात है सैनिक? हुजूर, महाराज ने आपको तत्काल याद किया है। महाराज ने याद किया है? कहीं महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं गया है? पता नहीं हुजूर, किंतु वो कह रहे थे कि उन्होंने एक बुरा स्वप्न देखा है और आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। तुम चलो, हम शीघ्र आते हैं। जो आज्ञा हुजूर। अवश्य महाराज ने राजकुमारी चंद्रमुखी का कोई स्वप्न देखा हो। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी का शीघ्र पता नहीं चला तो महाराज का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। इसलिए हमें तत्काल महाराज से भेंट करके कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा रूपनगर के महल में अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है? हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। स्वप्न कहाँ सत्य होते हैं महाराज? हमारे चंद्र विश्वासपात अधिकारी राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में दिन रात एक किए हुए। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन राजकुमारी चंद्रमुखी का पता अवश्य चल जाएगा। भगवान सिंह जी, हमारे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। आप कब तक हमें झूठी आशाओं पर बांधे रखेंगे? समय पर समय बीता जा रहा है। आज हम उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। आपका कहना सत्य है महाराज, हमारे अधिकारी अभी तक राजकुमारी को नहीं खोज पाए, किंतु एक दिन सफलता हमें अवश्य मिल जाएगी। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम अपनी सुपुत्री को कभी देख नहीं पाएंगे। कहीं कहीं सदा के लिए हम अपनी सुपुत्री को खो तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है भवन सिंह जी। महाराज, यदि हमारे सभी अधिकारी हमारा साथ दे देते तो अभी तक राजकुमारी चंद्रमुखी का पता चल भी जाता, किंतु चंद अधिकारियों को छोड़कर समस्त अधिकारी भ्रष्ट हो गए। वो नहीं चाहते कि राजकुमारी चंद्रमुखी महल में वापस लौटे। यदि वो अधिकारी भ्रष्ट है तो अभी तक उनको दंड क्यों नहीं दिया गया? आप हमें उनके नाम बताइए। हम सुबह का सूरज उगने से पहले उनको फांसी के तख्त पर लटका देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, इस संकट के समय में हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसा किया तो महल में बगावत हो जाएगी। बस राजकुमारी चंद्रमुखी का पता लगाने दीजिए, फिर हम इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड देंगे कि भविष्य में वो कभी कोई षड्यंत्र करने का साहस नहीं करेंगे। परंतु इसके लिए हमें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। बस अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया महाराज। अब हमें एक ऐसे योद्धा को इस कार्य पर लगाना होगा जिसे देखते ही हमारे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी और वो योद्धा रूपनगर के जंगलों में जाकर राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने में सफल होगा महाराज।
लेकर आइए। भुलैया की उड़ जाती है, और यदि एक बार ये दोनों रूप नौर के फूल भुलैया में फंस गए तो जीवन भर निकल नहीं पाएंगे। क्या हुआ, आप अचानक क्यों रुक गए? युवराज, हमने लंबे समय से भोजन नहीं किया, हमसे आगे नहीं चला जाएगा, हमें बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लेके आता हूँ। जब तक मैं फल लेके नहीं आऊँ, आप मेरी यहीं प्रतीक्षा कीजिएगा। हम रुकने के बाद जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं कभी भी रूपनगर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ही उचित अवसर है, राजकुमारी चंद्रमुखी एकदम अकेली है। इस एकांत के अवसर का लाभ उठाकर हमें उसके निकट पहुंच जाना चाहिए और उसे अपने साथ लेकर दैत्य सम्राट की दृष्टि से बहुत दूर चले जाना चाहिए। फल लेकर इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए? हमारा भाग्य प्रबल था राजकुमारी, हमें समय नहीं है। जहाँ से हमने फल ले आए चाहिए। चलिए।
शक्ति सिंह जी, पधारिए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही आपका गुप्त संदेश मिला वैसे ही हम आपसे भेंट करने चले आए। कहिए क्या आदेश? राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने और अपने भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ाने के लिए हमने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी मंत्रणा के लिए हमने आपने जो भी निर्णय लिया होगा उसे जानकर हमें खुशी होगी, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वो रूपनगर की भलाई के लिए होगा। ठीक कह रहे हैं, बहुत सोचने समझने के बाद हमने निर्णय लिया है। पूर्व मंत्रीवर रमेश कारागार। क्या ये क्या कह रहे हैं आप रणवीर सिंह को मुक्त कराना चाहते हैं? आपको पता है उसे फांसी की सजा हो चुकी है और अब वो हमारे किस काम आ सकता है? अब पूर्व मंत्री वर रणवीर सिंह ही हमारी समस्त कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यदि हम उन्हें कारागार से निकालकर उनकी समस्त शक्तियां लौटा दें तो फिर शत्रु की कमर टूट जाएगी और फिर वो घबरा कर अपने षड्यंत्रों को बंद कर देंगे या फिर रूपनगर के महल को छोड़कर भाग जाएंगे। क्षमा कीजिए, हमें आपकी ये योजना समझ नहीं आई। पूर्व मंत्री पर अपनी स्मृति में अभी लौटे नहीं है और जो इंसान अपना नाम तक नहीं बता सकता वो हमारी मदद कैसे करेगा? आप उचित कह रहे हैं सिंह, पूर्व मंत्री पर रणवीर सिंह की स्मृति कभी भी वापस नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? कारागार के विश्व सूत्रों से हमें पता चला है कि रणवीर सिंह जी अपनी पुरानी बातों को याद करके कभी कभी अपने आप से बातें करने लगते हैं और यही लक्षण हमें बताते हैं कभी भी स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, यदि उनकी स्मृति लौट भी आई तो क्या वो आपके आदेश का पालन करेंगे? वे शत्रुओं की नींदें उड़ जाएंगी। मंद्रा, तुम्हें इस महल में आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं हुजूर, जैसे ही आपका संदेश मिला मैं छिपते छिपाते यहाँ चली आई। मंद्रा, तुम महामहिम की सबसे भरोसेमंद सेविका हो, इसलिए महामहिम ने तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। महामहिम का प्रत्येक आदेश मेरे लिए ईश्वर का आदेश है हुजूर। बताइए मुझे क्या करना होगा? मंद्रा, तुम्हें यह पता लगाना होगा कि जादूगर विचित्र सेन अभी जीवित है या मर चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? जादूगर विचित्र सेन तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, सभी ने महल के द्वार पर उनके शव को देखा है। मंथरा, जादूगर विचित्र सेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो इतनी आसानी से मारा जाए, और ये बात स्वयं महामहिम ने भी कही है। यदि ये बात है तो वो शव किसका था जो महल में पाया गया था? वो शव देखने में तो विचित्र सेन के जैसा ही था, किंतु वो कोई और भी हो सकता है। ये कैसी उलझन है हुजूर? यदि वो शव जादूगर विचित्र सेन का नहीं था तो उसकी सूरत जादूगर विचित्र सेन जैसी क्यों थी? मंद्रा, इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। इस रहस्य को तो मैं और महामहिम भी अभी तक समझ नहीं पाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हुजूर, जिस रहस्य का पता कोई और नहीं लगा पाया उस रहस्य का पता मैं अवश्य लगा लूंगी। तुम इस कार्य को इतना आसान मत समझ पाता। जादूगर विचित्र सेन बहुत ही मायावी शक्ति का स्वामी है, वो जो भी कार्य करता है उसे उसके अलावा कोई नहीं जानता। इस कार्य को करने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, किंतु मैं भी एक मायावी शक्ति हूँ शक्ति के बल मैं किसी के भी भेद का पता लगा सकती हूँ। और यदि जादूगर विचित्र सेन जीवित है तो मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगी। तो देर किस बात की है मंद्रा, शीघ्र से शीघ्र रूपनगर के जंगलों में जाकर अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करो और जंगल का पत्ता जान मारो। जाओ। जो आज्ञा हुजूर।
मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास कि वो जादूगर विचित्र सेन कहीं भी किसी भी रूप में छिपा मंत्रा उसे अवश्य खोज निकालेंगे, अवश्य। यदि इसी प्रकार राजकुमारी चंद्रमुखी हमें वनराज समझकर हमारे साथ चलती रही तो शीघ्र ही हम उस मायावी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से राजकुमारी चंद्रमुखी फिर कभी लौटकर अपने महल में वापस नहीं पहुंच पाएगी। युवराज, हमें और कितने दूर तक ऐसे चलना होगा? हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं। बस राजकुमारी, बस थोड़ी ही दूर और। हम लोग तो पहुंचते ही नहीं हैं। चलिए चलिए चलिए, साहस रखिए। क्या हुआ राजकुमारी? थोड़ा और साहस बस। हमें समझ लेने से पहले रूपनगर पहुंचना है। राजकुमारी कहाँ चले गए? मैं उन्हें इसी स्थान पर छोड़ के गया था। राजकुमारी, राजकुमारी चंद्रमुखी, लगता है वो सशम में गई होंगी। राजकुमारी, बस बस पहुंचने वाले हैं, आप चलिए ना, चलिए चलिए। युवराज, कहीं पथ से भटक तो नहीं गए? आगे हमें घोर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। नहीं चंद्रमुखी, आप मेरा विश्वास कीजिए, हम सही पथ पर जा रहे हैं। बस शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। चलिए आप आइए आइए, चलिए आइए। राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने साथ लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन दोनों का पीछा करना होगा और ये सोचना भी जल्द से जल्द रूपनगर तक पहुंचानी होगी ताकि अतिथि युवराज को राजकुमारी चंद्रमुखी को अपहरण के आरोप में सजा मिल सके। द्वार खोलो। शक्ति सिंह जी, आप यहाँ? हम आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार लेके आए हैं। भुवन सिंह जी ने आप लोगों को मुक्त कराने का निर्णय लिया है। लगता है आप चले पर नमक छिड़कने आए हैं। क्या हमें यह नहीं पता कि रूपनगर में एक बार किसी को फांसी का दंड दे दिया जाता है तो फिर उसके मृत्यु के पश्चात ही उसे मुक्त किया जाता है। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु बहुत सोचने समझने के बाद भुवन सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि आप लोगों को क्षमादान दिया जाए। यही समाचार लेकर हम आपके पास आए थे। अचानक भुवन सिंह जी ने अपना निर्णय कैसे बदल दिया? कल तक जो हमें और भाई जी को फांसी पर चढ़ाकर हमारा शव देखना चाहते थे, वो आज हम पर इतनी करुणा क्यों कर रहे हैं? समय समय की बात है। कल तक आप दोनों भाइयों का समय बहुत बुरा था। वैसे भी कहावत है कि बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ देती है, किंतु भुवन सिंह जी को अब लगने लगा है कि रूपनगर के महल को सिर्फ रणवीर ही बचा सकते हैं। भाई जी,
अपने आप को नहीं पहचाना। क्यों आए यहाँ? हमें ये बताने हैं कि भुवन सिंह जी हमें कारागार से मुक्त कराना चाहते हैं। भुवन सिंह कौन? आप एक बार उनसे भेंट कर लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि भुवन सिंह जी कौन है। ठीक है, हम उनसे जरूर मिलेंगे। पता नहीं ये कैसा स्थान है, यहाँ रहते रहते हमारी सांसें घुटने लगी हैं। आइए हम आपको भुवन सिंह जी के पास लेके चलते हैं। आइए आप हमारे साथ चलिए। सिंह जी। प्रणाम। मैं रणवीर को ले आया हूं आपके पास। प्रणाम भुवन सिंह। प्रणाम। क्या शक्ति सिंह जी सत्य कह रहे कि आपने हमें और भाई जी को फांसी का दंड देने से मुक्त कर दिया है? हाँ ये सत्य है परमवीर, इस समय हमें पूर्व मध्यवर की अति आवश्यकता है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में महल के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट हो गए। कल तक तो आप और आपके अधिकारी भाई जी को राजद्रोही और अत्याचारी घोषित करने पर तुले हुए थे, तो आज अचानक क्या हो गया? आपके अधिकारी स्वयं कैसे भ्रष्ट हो गए? हमारे अधिकतम अधिकारी हमारी पीठ पर छुरा फोंक रहे थे, जब हमें पता चला तो हमने आपको नहीं रोक पाए पर हमने महाराज से पूर्व मंत्री वर को क्षमा करके थानावास से मुक्त करने की मांग की। आप दोनों और नए सिरे से कार्य प्रारंभ। राजकुमारी चंद्रमुखी जंगल में कहां भटक रही है उसे ढूंढ के ले आइए। अगर आप उन्हें ले आएंगे तो हम आपको राज्य मंत्री बनाएंगे और आपके भाई का उपचार श्रेष्ठ वैद्य से कराएंगे। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि रणवीर सिंह अति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और हम उनको उनकी स्मृति वापस आते ही उनको उनका पूर्ण स्थान सौंप देंगे। हमें हमारी कोई चिंता नहीं है, भाई जी को उनका स्थान वापस दिलाने के लिए हम आपका कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। बताइए बताइए हमें क्या करना होगा? आपको जंगलों में जाकर राजकुमारी का पता लगाना होगा, किंतु ये कार्य बहुत कठिन है। परमवीर सिंह के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं है शक्ति सिंह जी। हम आपको वचन देते हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी जहां भी होंगी हम उन्हें खोज निकालेंगे। किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी का रूप वो नहीं है जो आपने कारागार में जाने से पहले देखा था, उनका रूप बदल दिया गया है, इसलिए आपको उन्हें पहचानने में कठिनाई हो सकती है। ये आप हम पर छोड़ दीजिए। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी किसी भी रूप में रूप बदल के तो आपको आपका वचन निभाना होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम शीघ्र से शीघ्र राजवैद्य को संदेशा देकर रणवीर का उपचार कराते हैं और जब तक आप लौटेंगे रणवीर तब तक ठीक हो चुका होगा। ये सब क्या हुआ? आप लोग मुझे यहाँ कहाँ ले आए? आपको आपका स्थान वापस मिलने वाला है भाई जी। जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक आप यहीं पर हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा। अब हम रूपनगर की जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रणाम।